अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल एनपो। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को सीरीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने सीरीज़ किस तरह बनाना है और फिर आप लोगों ने इसको यूज़ किस तरह करना है। सीरीज़ दोस्तों बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जैसे फैन, मोटर वगैरह, 220 एसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग सीरीज़ की मदद से इसको यूज़ कर सकते हो, इसको मालूम कर सकते हो कि इसमें पार्ट क्या है या फिर आप इसको रिपेयर किस तरह कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीरीज बोर्ड के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने सीरीज बोर्ड किस तरह बनाना है। मतलब इसे दोस्तों आप लोग फैन वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी फैन वगैरह आप लोग इसको इससे चेक कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप लोग को फैन, इस्त्री, आयरन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसको आप लोगों ने किस तरह रिपेयर करना है या फिर फैन वगैरह। तो इंशाल्लाह मैं आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो मैं इससे भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के सामने यहाँ पर लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सीरीज बोर्ड को बनाने के लिए आप लोग को एक छोटा सा बोर्ड चाहिए होगा और इसके साथ साथ दोस्तों एक प्लग और इसके साथ साथ दोस्तों एक बल्ब होल्डर, जो कि ये सारी चीज़ें आम इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिलती है और ये तकरीबन यही कोई 80 रुपये या फिर 100 रुपये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इसके साथ दोस्तों आप लोग को 100 वोल्ट बल्ब या फिर 200 वोल्ट जो भी हो, 100 या फिर 200 ये चलेगा। तो दोस्तों अब आप लोगों ने पहले तो आप लोगों ने बोर्ड में बल्ब होल्डर और इसके साथ साथ जो प्लग है आप लोगों ने इसको फिक्स करना होगा जिस तरह मैंने किया हुआ है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों ने किस तरह इसको करना है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों ने इसका कनेक्शन किस तरह करना है। तो कनेक्शन करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक होल्डर के दो कनेक्शन है यहाँ पर और दो प्लग के हैं। तो आप लोगों ने एक कनेक्शन को दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने छोटा सा वायर लेना होगा, ये कुछ इस तरह दोस्तों आप लोगों ने वायर लेना होगा और इसको दोस्तों आप लोगों ने फिक्स करना होगा। सबसे पहले दोस्तों ये दो कनेक्शन जो है ये होल्डर के हैं और दो कनेक्शन यहाँ पर प्लग के हैं। तो इसको दोस्तों आप लोगों ने इसका पहला कनेक्शन यहाँ पर होल्डर से लेके यहाँ पर आप लोगों ने सेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, एक होल्डर यहाँ पर हो गया और दूसरा आप लोग का प्लग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये एक प्लग है और ये होल्डर। तो प्लग का एक कनेक्शन मैंने यहाँ पर होल्डर के एक कनेक्शन के साथ अटैच किया। अब आप लोगों ने क्या करना होगा दोस्तों, आप लोगों ने सीधा 220 वोल्ट जो है यहाँ पर लेता हूँ, 220 का जो पावर का होता है 220 एसी का, ये आप लोगों ने दोस्तों एक वायर, एक एसी 220 वायर आप लोगों ने होल्डर के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्लग का एक वायर यहाँ पर, प्लग का एक कनेक्शन मैंने होल्डर के साथ कनेक्ट किया, फिर 220 का एक वायर यहाँ पर आ चुका है प्लग के साथ और दूसरा डायरेक्टली यहाँ पर बल्ब के होल्डर के साथ अटैच है, ये आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों अब आप लोगों ने क्या करना होगा, ये हमारा कनेक्शन अब कंप्लीट हो जाएगा जो कि सीरीज का है, सीरीज बोर्ड जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों ने क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने 220 बल्ब यहाँ पर लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इसको 220 वोल्ट दे देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने दोस्तों एक वायर ऐसे ही बनाना है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह दो वायर हो और उसमें एक स्विच लगा हो, जो कि आप लोग इसको सीरीज के लिए यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब आप लोग अगर मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली लगा लेता हूँ तो हमारे पास ये सीरीज बन चुका है, ये हमारा सीरीज अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस सीरीज़ की मदद से आप लोग पेन, इस्त्री और इसके साथ साथ और भी इलेक्ट्रॉनिक
प्रोडक्ट आप लोग चेक कर सकते हो कि वो ठीक है या फिर नहीं ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि अगर आप लोगों के पेन में कुछ मसला हो या फिर किसी मोटर में या फिर वाटर मोटर में, तो वॉशिंग मशीन मोटर वगैरह वगैरह, तो आप लोगों ने इसको किस तरह रिपेयर करना है या फिर आप लोगों ने इसको किस तरह रिवाइंड करना है। अगर वो जल गया हो, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, तो आप लोगों ने इसको किस तरह रिवाइंड करना हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।